तो अगर आपको मौका मिले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दो प्लेयर्स एक्सचेंज करने का, तो आप इंडिया के किस प्लेयर को पाकिस्तान की टीम में भेजोगे और पाकिस्तान के कौन से प्लेयर को अपनी टीम में लाओगे? मेरा बस चले तो मैं बुमराह को पाकिस्तान की टीम में भेजूंगा। वैसे तो देखा जाए बुमराह बॉलिंग में तो अच्छा है प्ले में, लेकिन 8-9 महीने वो इंजर्ड ही रहता है, तो इसका मतलब ही क्या? और जब देखा जाए तो जब खेलता भी है तो ज्यादा विकेट भी नहीं लेता, उससे अच्छा तो दूसरे बॉलर्स लेते हैं विकेट। अभी कुलदीप यादव ने लास्ट मैच में 5 विकेट ली थी, इसे ये होती है असली बॉलिंग। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। बुमराह कहाँ लेता उतना विकेट, उससे अच्छा तो कुलदीप लेता है। भाई देखो, बात बात पे वो छुट्टी भी ले लेता है, बच्चा हुआ तो फिर छुट्टी लिया, शादी होने पे फिर छुट्टी लिया, हमेशा छुट्टी लेता है, उसका मतलब ही क्या गेम खेलने का? पाकिस्तान से मैं इंडिया में रॉफ को बुला लूंगा, वो अच्छा मैच खेलता है भाई, उसका एटीट्यूड भी अच्छा और बॉलिंग भी अच्छा करता है, और भाई सबसे बड़ी बात, वो 8-10 महीना इंजर्ड भी नहीं रहता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फॉलो क्रिकेट मोड टू गेट अर्ली अपडेट्स फ्रॉम क्रिकेट वर्ल्ड।